नमस्कार। ग्लोबल हेराल्ड की इस सीरीज में हम आपसे हमेशा विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं सुनील जायसवाल जी। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुनील जी को इस बार पद्म अवार्ड के लिए पत्र आया है कि आप अपने पद्म अवार्ड के लिए आवेदन सबमिट करें गृह मंत्रालय से। और जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय या हमारी भारत सरकार द्वारा जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं वो किसी विशिष्ट पहचान की वजह से, विशिष्ट उपलब्धि की वजह से, विशिष्ट काम की वजह से दिए जाते हैं। तो सुनील जी जो कि इंदौर से हैं, हमारे लोकल हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या विशिष्ट किया जिसकी वजह से उन्हें सरकार ने खुद ये बोला कि आइए आप, हम आपको पद्म अवार्ड देना चाहते हैं, आप आवेदन कीजिए। सुनील जी क्या किया आपने ऐसा कि पद्म अवार्ड के लिए आपको आवेदन मंगाया गया? जी मैंने आपके पूरे भारतवासियों की जेब में एक आधार कार्ड है और इस आधार कार्ड की परिकल्पना मेरे द्वारा की गई थी। अरे वाह क्या बात है। आपने आधार कार्ड को पहली बार आपने ड्राफ्टिंग की बनाया आपने उसको? जी मैंने इसमें शोध लिखा था, एक शोध लिखा था, उसका नाम था कर लो इंसान को मुट्ठी में, और वो शोध को मैंने भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके ऊपर मंथन किया, मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया और इसको UID के नाम से पहले इसको लागू किया और बाद में फिर नंदन नीलकंठ जी का आगमन हुआ और उन्होंने उसका नाम आधार दिया और ये पूरे देश में लागू हो गया। तो ये कुछ बीच में मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है जो आप कह रहे हैं कि आपने परिकल्पना की, फिर भारत सरकार ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा, पास किया और उसके बाद में नंदन नीलकणी जो इंफोसिस के वो हैं और आधार प्राधिकरण के जो चेयरमैन थे उनका नाम आया। आपका नाम कहाँ था? जी मेरे को भी इस बारे में बहुत, मैं 10 साल से वही लड़ाई लड़ रहा था कि भारत सरकार से मेरा 10 साल से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था कि ये शोध जो है नंदन नीलकंठ जी का नहीं है, ये शोध सुनील जायसवाल मेरा है और मैंने इसको कर लो इंसान को मुट्ठी में एक नाम दिया था शोध का और उसके मैंने भारत सरकार को भेजा था और 15 अगस्त 2005 को मैंने शोध पत्र भेजा था। 3 मार्च 2006 को मंत्रिमंडल की इस पर पहली बैठक भी हो गई और उन्होंने इस शोध को, मेरे शोध को पास कर दिया और बाद में इसका UID, आपको ध्यान होगा UID नाम था इसका सबसे शुरू में, विशिष्ट पहचान पत्र। और बाद में जब ये सरकार से ये काम नहीं संभला तो उन्होंने इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नंदन नीलकंठ जी को इस कार्य को संचालित करने हेतु, व्यवस्थित संचालित करने हेतु, क्योंकि वो IT के मास्टर माइंड है नंदन नीलकंठ जी, तो उनको इसको आगमन, उनको उन्होंने उनको बुलाया सरकार ने टेक्निकली उसको अच्छे से, उसको जी बिल्कुल राइट, उसको सही तरीके से लागू और उसको करने के लिए उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया कि आप इसको व्यवस्थित करें और उन्होंने इसको फिर आगे, इसको आगे बढ़ाया। तो अब फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया उनको जनक के रूप में जानने लगी। एक्चुअल में वो उसको विकसित करने वाले हैं, आप टोटली उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। अब जैसे कि आधार कार्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक बायोमेट्रिक है कि आप अपने अंगूठे की पहचान से किसी भी व्यक्ति का कहीं से भी हिंदुस्तान में कहीं भी है बल्कि उसका डाटा खोज सकते हैं, वो सारी चीजें। उसका ऐसा भी है कि आपको अब बैंक से लेकर के हर डिपार्टमेंट की जहां आपकी रजिस्ट्रेशन है वहां उसको उससे लिंक करा रहे हैं, ये सारी चीज हुई। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि लापता होने पर, गुमशुदा होने पर, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर इसका यूज आता है। तो आपका जो बेसिक आधार था जो आपने जो जिसको एक कर लो इंसान मुट्ठी में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या ये फीचर्स थे और किस तरीके से थे? ये सभी फीचर्स जो आपने कहे अभी हाल, ये सभी फीचर्स मैंने उसमें बताए थे, वो कुछ लिखे हुए थे, कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए थे। इसमें बराबर बताया गया था कि अंगूठे की उसमें अंगूठा लगाया जाए, फिर उसमें मैंने ये भी बताया था कि भी कोई भी सरकारी अफसर को भी इसमें अंगूठा लगाना चाहिए, ये भी मेरे कंसर्ट में था। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ शायद हमारे दर्शक भी देख पाएंगे इसे थोड़ा जूम करके, ये जो बेसिकली जो इन्होंने डेवलप किया था उसे ये हम देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो है इसमें ऑलरेडी वहाँ पे व्यक्ति का एक बड़ी पहचान संख्या 15-17 अंकों की उन्होंने दर्शा रखी है, फोटो दर्शा रखा है और ये साथ में आप देखेंगे इसको कि ये अंगूठा लगा है जहाँ पे है, तो वो बायोमेट्रिक वाला जो बात इसमें इंक्लोज्ड है
वो यहाँ से आई थी, और एक और आपने प्राधिकारी जो संबंधित संबंधित अधिकारी है उसके अंगूठे के निशान को भी, जिससे बाद में सरकार ने डिजिटल साइन के तौर पे एक्सेप्ट किया उसको। सुनील जी, ये जो बात अभी आई के इस तरह का ये सब हुआ, इस बीच में आपकी कहीं पे भी सरकार ने आपको ये इस तरह से आपको धन्यवाद दिया कि आपने एक ऐसी नई पहचान जनरेट कर दी? चूंकि ये बात तो पक्की है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, जब हिंदुस्तान में आधार संख्या नहीं थी तो दूसरे देशों में दूसरे तरीके के फॉर्मूले थे, तो आपने इसको किस कॉन्सेप्ट पे आपने इसे डिजाइन किया था? एक्चुअल ये शोध मेरे बचपन का था। एक्चुअल देखा जाए तो बचपन में जब मेरे को न्यूज पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं जब पेपर पढ़ता था तो उसमें क्या होता था कि जब क्राइम पढ़ता था, लोगों के दुखों को पढ़ता था, तो मेरा मन इतना दुखी होता था, इन सब दुखों को और लोगों की तकलीफों को देख के मेरे मन में ऐसा कुछ आया कि यार कुछ करना चाहिए, इन लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए, क्यों इतने दुख लोगों को होते हैं। तो ये जब मेरे मन में जनरेट हुआ और काफ़ी 10 साल तक ये मेरे दिमाग में घूमता रहा, और फिर इसके ऊपर मैंने फिर उसके बाद 15 अगस्त 2005 को इसको मैंने टाइप करा के श्रीमान ये अब्दुल कलाम साहब को भेजी थी मैंने ये, और वहाँ से तुरंत ही 2-3-4 दिन बाद मेरे को धन्यवाद पत्र इसका वहाँ से प्राप्त हो गया था। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि उसको आपको, मेरे को लगता है कि शायद आपको संघर्ष करना पड़ा कि ये आपका है, और बाद में उसे मान भी लिया गया कि आपका है? नहीं, क्या हुआ, क्या था एक्चुअल में शुरू में क्या हुआ कि जब वहाँ से सिर्फ क्या हुआ, एक लाइन का पत्र लिख दिया राष्ट्रपति सचिवालय ने कि साहब आपने आपने जो पत्र भेजा इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मैं ये सोचता रहा कि साहब अब क्या सरकार है, सरकार में हर चीज़ में प्रोसेस में कोई भी टाइम लगता है, प्रोसेस होती है भाई, कभी ना कभी इसके आगे का अपने को दिल्ली बुलाया जाएगा और अपने को इससे आगे बात की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में सन 2007 में आपने टीवी पे मुझे टीवी पे एक विज्ञापन आने लगा, आपने देखा आइडिया कंपनी का, आइडिया मोबाइल कंपनी का, अभिषेक बच्चन द्वारा जो अभिनीत था, व्हाट एन आइडिया करके, व्हाट एन आइडिया मींस जिसको आपने कॉन्सेप्ट बतौर आपने आइडिया जो दिया था, हाँ वो एकदम से लॉन्च हो गया जी, वो पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताने लग गए, वो बताने लगे। हाँ, लेकिन आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और मुझे ऐसा लगा गाइड देखने के बाद कि यार ये मेरा आइडिया चोरी हो चुका है राष्ट्रपति सचिवालय से। फिर आपने कॉरेस्पोंडेंस किया होगा किस तरीके से, और कितने लंबे समय तक आप ये करते रहे, और किस तरह से फिर प्रूव हुआ है? ये एड देखने के बाद मुझे काफ़ी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत पहुंच तो थी नहीं अपनी सरकार में, कोई राजनीतिक पहुंच भी नहीं थी अपनी, तो काफ़ी इसमें 1 साल निकल गया, तो अपन सोचते रहे क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही सन 2008 आ गया, 2008 में एक दिन पेपर में, जागरण पेपर में पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उसका ब्रीफ आई पूरी कंसेप्ट की कि इस तरीके से ये कार्ड बनेगा, इस तरीके से इस पे काम होगा। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम घूम गया कि साला ये तो मेरा टोटल आइडिया था, पूरा शोध उसके अंदर वो उसके अंदर लिखा हुआ था जी। बस उसके बाद का वो दिन है और आज का दिन है साहब, मतलब मैं 10 साल में 2008 से लेके 2019 आ गया है, पूरे टाइम मतलब मेरा आधा दिन जो अगर मान लिया जाए, आधा दिन तो मैं मुझे भी दाल रोटी के लिए काम करना पड़ता है, और आधा दिन मैं इसमें देता हूँ। अच्छा, कॉरेस्पोंडेंस कर रहा हूँ लगातार, कॉरेस्पोंडेंस करते रहे जी। आपने शायद राष्ट्रपति भवन से लेकर के मंत्रालयों तक, संबंधित मंत्रालयों तक जी, अपने सैकड़ों लेटर्स लिखे जी, और उनके जवाब में फिर आपने ये प्रूव कराया कि ऑलरेडी जो पहला ड्राफ्ट आपने भेजा था जी, जी वही ओरिजिनल ड्राफ्ट है जी, इसके बेस पे आधार जी आधार बना। ये एक आम आदमी की चुनौती है कि उसे जिस चीज को, विशिष्ट चीज को लेके आया है, अगर सिस्टम में उसकी कोई जान पहचान नहीं है या उसका कोई रुतबा नहीं है तो वो उसे खो सकता है, वो अपने ओरिजिनल आइडिया को किसी और के नाम से देखेगा तो दुख होगा। और आपने इस चीज़ को, ये बड़ी उपलब्धि है कि आपने इतने सालों के, 10-11 साल के संघर्ष के बाद उसमें आपने स्थापित किया जी। अभी आपको किस बेस पे ये पद्म अवार्ड के लिए बोला गया है? ये मैं 10 साल से पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ सरकार से जी। कई लोग सजेशन करते थे कोर्ट में जाओ, मगर कोर्ट में जाना अच्छी बात नहीं है, पहले अपना काम है कि अपन अपन हाँ अपन अपना अपनी अपन कोर्ट कोर्ट की भाषा में बात करेंगे, सरकार भी अपने कोर्ट की भाषा में बात करेगी। तो मैंने कोर्ट का रास्ता नहीं अख्तियार करते हुए अपना आरटीआई आरटीआई को मैंने औजार बनाया, और आरटीआई के तहत ही मुझे काफ़ी जानकारियाँ मैंने अपने पक्ष में मुझे मिली, और उसी के तहत सरकार ने भी माना
और उसी के उस जब सरकार इन दस मुझे 10 साल लग गए लड़ाई को लड़ते लड़ते, अभी पहली बार मुझे ये पद्मश्री के लिए उन्होंने बोला है कि आप आवेदन करें जी। आधार के कंसेप्ट में मैं इस लड़ाई में मैं इतना मशगूल हूँ, इतना जुनून और इतना दीवानापन है मेरे में कि मैंने अपने बेटे का नाम ही आधार रख दिया। अरे वाह। और मेरे बेटे का नाम आधार है और मेरी बेटी के जो बेटा है उसका नाम कार्ड रखा है। अरे वाह। ये हाँ, और मेरी दो गाड़ियाँ हैं मेरे पास, एक मेरे बेटे की एक मेरी है, उन दोनों पे मतलब पूरे चारों तरफ आधार कार्ड के जनक और आधार के बारे में लिखा है। और एक बेस का एक जुमला भी मैंने बनाया है, आधार बनवाओ, आधार बनो और आधार पाओ। ये जुमला मेरे द्वारा लिखा गया है। ये बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए, पूरे एमपी के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के लिए। क्या आप वो पहले शख्स हैं जिसने इस तरह की परिकल्पना करके और इस तरह का दावा किया कि हम इस तरीके से सारी आईडीज़ को, मतलब जितनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आईडीज़ जो हो सकती हैं वो सब एक इंसान की एक ही आईडी में समाहित हों और उससे सारी चीज़ें क्लब हो जाएं, सारे विभाग क्लब हो जाएं। ये विभाग क्लब करने का आपका जो आइडिया था, इसके अलावा एक आपका आइडिया जो आपने दिया है कि आप जिस तरीके से एक विमान में ब्लैक बॉक्स होता है, सेम आपने इस कार्ड को डिज़ाइन करने का ऐसा सुझाव दिया था कि ये कार्ड इस तरीके से बनाया जाए कि कभी अगर व्यक्ति किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, वो जल गया या कुछ ऐसी स्थिति बन गई, तो वो कार्ड जो है बेसिक कार्ड मिल जाए, उसका डेटा मिल जाए, तो उसका डाटा एक अलग बॉक्स में रखे रहेगा। हाँ, और आपके वो जो कार्ड आपके जेब में रहेगा उससे नंबर से वो ब्लैक बॉक्स, हाँ वो वहाँ से वो उसको बराबर। बहुत 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 धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ विकसित किया बल्कि इसको अपना अपनी पहचान देने के लिए भी एक लंबा संघर्ष सरकार की मशीनरी के साथ में आपने किया है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हिंदुस्तान में जो पद्म अवार्ड आने वाले हैं उसमें हमारे सुनील जायसवाल जी का नाम हो। हमारे दर्शक भी शायद इस छोटे से वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये आधार का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।